नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में दो दिन से ताजमहल पर लगातार दूसरे दिन भी पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। टिकट खिड़की पर भी भीड़ ज्यादा नजर आई। पश्चिमी गेट पर प्रवेश के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन दिखाई दी। हालात ऐसे रहे कि गेट से भीतर प्रवेश करने में 1 घंटे से का भी समय कम लग रहा था। आम दिनों से यहां 15,000 से 20,000 पर्यटक आते थे, वहीं आज लगभग 60,000 की संख्या पार कर गई। सोमवार को आपको बता दें कि 42,259 टिकट बिके हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग बताते हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों और वीआईपी जोड़े तो सैलानियों की वास्तविक संख्या 60,000 के पार पहुंचती है। पश्चिमी गेट मार्ग पर कई स्थानों पर लपके पर्यटकों से बिना लाइन प्रवेश कराने और शाम को टिकट खिड़की बंद होने के बाद भी टिकट दिलाने और प्रवेश के नाम पर सौदेबाजी करते भी दिखाई दिए। सोमवार को कुछ सैलानियों ने सूर्यास्त एवं ऑनलाइन टिकट भी खरीदा, हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ताज में प्रवेश से रोका। इस पर उनसे बहस भी हुई। कुछ सैलानी ऐसे थे जिन्होंने परिजन ताजमहल में प्रवेश कर गए थे और वो बाहर थे। सुरक्षा कर्मियों ने ऐसे सैलानियों के परिजन को भी बाहर का रास्ता निकाल दिया। ताजमहल का दीदार न कर पाने से यह सैलानी खिन्न और मायूस नजर आए। आपको बता दें कि इसी बीच सोशल मीडिया पर ताज सुरक्षाकर्मी का सैलानी से अभद्रता का एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ, जिसमें भीड़ में लगे पर्यटकों को सुरक्षाकर्मी खींचकर बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। वहीं एक महिला से भी सुरक्षाकर्मी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में अधीक्षक पुरातत्व डॉक्टर राजकुमार पटेल का कहना है कि व्यक्ति गलत तरीके से लाइन में घुस रहा था। मंगलवार को भी संयम व्यवहार के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार सोमवार को ताजमहल के सेंटर टैंक की सफाई का काम चल रहा है और सफाई के कुछ सैलानी सेंट्रल टैंक में घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार, आपको बता दें क्रिसमस के बाद अब 30 और 31 दिसंबर को फिर से सैलानी इसी प्रकार उभरने की संभावना है, ऐसा पुरातत्व विभाग की तैयारियों को लेकर लग रहा है। ताजमहल के मुख्य गुंबद में प्रवेश की प्रक्रिया करीब 15 से 20 मिनट बाधित रही। इस दौरान मशीनें खराब होने की और वाईफाई सेवाएं भी बंद रहीं। आप देख रहे हो ताजमहल पर किस प्रकार जनसैलाब उमड़ रहा है और ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। तो जानते हैं क्या कुछ कहना है आज। देखिए किस प्रकार, आप जित लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ताज नगरी में छुट्टियां, देखिए किस प्रकार छुट्टियां मनाने के लिए शनिवार और इतवार और सोमवार को देखिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है और लगातार भीड़ को देखकर देखिए किस प्रकार होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर खुशियां भी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल।